हेलो हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सब। ये देखिए मेरे भाई के लगन की शादी का पिक, और ये मेरी होने वाली भाभी हैं, तो वो भी पिक सेंड की थी, वो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। हम लोगों में इसी तरह से लगन चढ़ता है, ये देखकर मुझे अपनी याद आती है, मेरा भी इसी तरह से हुआ था। तो यहाँ पर लड़की की तरफ का मैं अभी दिखा रही हूँ, फिर अभी मैं लड़का की तरफ का दिखाऊंगी। तो जो चैनल पर नया है चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। और अब बढ़ते हैं आगे, भाई का लगन चढ़ रहा है, वो दिखाती हूँ मैं आपको। ये हमारे समझ से बाहर का चीज़ है। तुमको सिर्फ मोबाइल घुमाना था बेटा। अच्छा, घुमाना था। अरे मोबाइल। तो डियर कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। ये मेरी बेटी है, बगल की चाची लोग इसको खिला रही है, सब पीला पीला पहने हैं। लोग थोड़ा कम आए थे लेकिन आज लगन लग रहा है, तो ये भी मैं दिखाऊंगी हम लोगों में कैसे लगन चढ़ता है लड़के को। ये मेरी मम्मी बैठी है काला साल ओढ़ के, मेरा बेटा गाड़ी के पीछे बेहाल है, सारे लोग पीला पीला पहन के, मैं भी पीला ही पहनी हूँ। लास्ट तक मैं ज़रूर अपना वीडियो आपको दिखाऊँगी। और चूंकि मैं तो एक साल तक कोई शुभ काम नहीं करती क्योंकि मैंने अपने सास का किया हुआ था, इसीलिए तो यहाँ पर जो मेरी चचेरी भाभी, चचेरी भाई की शादी है, ये मैं हूँ। तो चचेरी भाभी जो है वो पंडित जी यहाँ बैठे हुए हैं, कैमरा वाला अभी नहीं आया है। और चचेरी भाभी ये मतलब कि जो मेरा भाई है, इसका नाम दिनबंधु है। ये मेरी बहन की बेटी बैठी हुई है ग्रीन फ्रॉक में, मेरी बहन की तीन बेटी है, सब प्यारी की प्यारी, इतनी अच्छी। और ऑपरेट मोबाइल करना नहीं आ रहा है, इसी बीच में डियर मेरा ख़राब हो गया मोबाइल, फ्रंट कैमरा पर ही कोई फिल्म वगैरह बहन की बेटी लोग गिरा दी। और ये भाभी इसको हल्दी लगा रही है, हम लोगों में इसी तरह से रस्म होता है। ये हल्दी लगाने के बाद हम यहाँ बैठेगा और इसके ससुराल से यानी लड़की को लगाना बड़ा है ना। अब वहाँ से जो आएगा हल्दी का लगा हुआ ढक्कन में बंधा हुआ आता है, वो चीज़ इसको चढ़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपकी लड़की का भी इमेज शेयर करूँगी। और यहाँ पर मेरी बड़ी माँ लोग सारे लोग बैठे हुए हैं, और मैं गीत बहुत गाती हूँ, गोसाम का गीत मुझे बहुत, सारा गीत मुझे गाना आता है, मैं फुल एंजॉय करती हूँ। और ये मैं बैठी हूँ येलो साड़ी में, और उसी दिन मैं उतरी थी तो ये मेरी दीदी है रेड साड़ी में, वो उसके पास येलो साड़ी था लेकिन वो बोली कि मैं 8-9 हज़ार का है तो मैं आज लगन के दिन नहीं पहनूंगी। लोग सब सोच के लाता है ना किस दिन क्या पहनना है, तो आज मैं यही पहनूंगी। बाकी वो मेरी कज़न है दिल्ली से आई हुई, चचेरी बहन है, पीला सूट में बैठी है, वो ज़्यादा सूट ही पहनती थी, लेकिन ये सब ओकेजन में साड़ी पहनना चाहिए। और यहाँ पे लगन लग पड़ रहा है, और वो वहाँ से लगन पत्रिका, ये मेरी चचेरी बहन सब है, लगन पत्रिका जो आता है वो पढ़ा जा रहा है, इसी तरह से पढ़ा जाता है। और उसके बाद बहुत कुछ डियर मैं अफसोस करती हूँ, बहुत चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई कि मैं क्या क्या दे रही हूँ दुल्हन को, सोने के कान का और सिल्क साड़ी वगैरह दिया था, तो अफसोस करती हूँ। इतनी जाने की हड़बड़ी, इतनी व्यस्तता थी डियर कि मैं शेयर नहीं कर पाई, मैं बहुत अफसोस करती हूँ। जब मेरे चचेरे भाई की बेटी के छठी में भी मैं गई थी, तो मैं उस समय भी शेयर नहीं किया था, ये जो रेड स्वेटर में दिख रही है इसी के छठी में मैं गई थी, तो मैं वीडियो ही नहीं बनाती हूँ, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हो जाता है। ये जो काला उजला पाना है, मेरी बहन का बेटा है, तो एंजॉय तो सारे लोग बहुत कर रहे थे। और चूंकि मेरे चैनल पर इतना व्यूज अभी आ नहीं रहा है डियर, जिनके चैनल पर कम से कम 10-20 हज़ार व्यूज आते हैं, थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं वो लोग, तो लगातार डालते रहते हैं। मैं सोचती हूँ मेरे चैनल पर कोई देख नहीं रहा है, तो मैं थोड़ा थोड़ा जब भी समझ में आता है डाल देती हूँ, लेकिन आप लोग सारे बहुत अच्छे हैं। जो लोग भी देखते हैं दिल से देखते हैं, पूरा देखते हैं, कमेंट करते हैं, और बूंद बूंद से ही घड़े घड़ा भरता है। आप लोग के कारण ही हम चैनल पर कुछ वीडियो डाल पाते हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर पाते हैं, मुझे शेयर करना अच्छा लगता है। और ये मेरी बहन की छोटी वाली बेटी है, उधर बौकड़ी लेकर मेरे बड़े चाचा बैठे हैं, उनका लड़का है, और इधर सारी चाची, ये मेरी दीदी लोग, इधर और भी कई लोग हैं। मेरी बहन की बेटी को कैमरा घुमाना उतने अच्छे से नहीं आ रहा था, वो बड़ी वाली थी बहन की बेटी, उसका नाम माही है, वही रिकॉर्ड कर रही थी। और उधर नाई बैठे हुए, नाई ही लगन लेकर आते हैं, तो इस तरह से सारा रिकॉर्डिंग हुआ डियर। तो एक एक करके मैं शेयर करूँगी, मेरा आने से यहाँ पर हो गया है, पटना आने से 4-5 दिन हो गया है, लेकिन अब कहीं नई जगह से आइए तो आप बीमार पड़ जाते हैं, तो मैं नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही थी, लेकिन एक एक रस्म जितना मैंने ये रिकॉर्ड किया है शेयर करूंगी। मोबाइल का फ्रंट कैमरा ही ख़राब हो गया, और आते ही मुझे मोबाइल भी एक लेना पड़ा। तो चलिए अब आगे आपको दिखाते हैं, हम लोगों में ऐसे लगन पड़ता है, 5 दिन का लगन होता है, आज इसको लगन चढ़ेगा, फिर अभी लगन कुटाएगा ऊपर में, 5 गर्होनी हम लोगों में कहा जाता है, लगन कूटेंगी, उसके बाद उसको कल धूप में सुखाया जाएगा, कल जाके दूसरे के यहाँ पिसने जाएंगे, वहाँ पे पूरा गाली गल्लम गीत वीत होता है, उसके बाद फिर इसको लगेगा। तीसरे दिन तिल मांगरा कहते हैं, ये मेरे पिताजी बैठे हैं ब्लू जैकेट में, उसके बाद
यहाँ पे सबका सेल्फी फोटो हो रहा है। ये मेरी बेटी है, मैंने बहुत मेहनत किया था यार जाने के पहले, एक एक ड्रेस का मैचिंग, हेयर बैंड, ये वो, मैं बहुत परेशान हुई थी, आप लोगों से वीडियो भी शेयर नहीं कर पा रही थी, इतनी परेशान मैं हो गई थी क्या। लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर किया। यहाँ सारे लोग फैमिली पिक खिंचवा रहे हैं और कैमरा वाले भैया भी खींच रहे हैं, मैं भी सेल्फी स्टिक लेके गई थी, मैं भी अपना खिंचवा रही हूँ, लेकिन मेरा चेहरा तो जिस दिन आप जाइए उस दिन थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो ये वीडियो तो मैंने बस लगन तक ही शेयर किया, उसके बाद हम लोगों का थोड़ा डांस वांस हुआ, डांस वाला भी मैंने एक शेयर किया है, और भी करूँगी बहुत सारा है क्लिप, इंजॉय करते रहिएगा, चैनल पे लास्ट तक बने रहिएगा। लगन का पूरा काम हो गया ख़त्म और अब हम लोग चलें सोने में, जल्दी जल्दी खाना खा के आ गई, लेडी लोग खा ही रही है और कुछ बच्चों को मैं लेकर आ गई हूँ, सबका मैंने ड्रेस व्रेस चेंज कर लिया है, मेरी बिटिया रानी यहाँ सो रही है, तो अब मिलेंगे आगे, बाय 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 डियर, बाय बाय, लव यू, और अपना ध्यान रखिएगा।